नमस्कार, झारखंड के समाचारों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों को। अब राज्य में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को झारखंड से मैट्रिक और इंटर पास होने पर ही मिलेगी सचिवालय में नौकरी। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद झारखंड के सचिवालय सेवा के विभिन्न पदों में नौकरी के लिए अब अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को मैट्रिक तथा इंटर झारखंड से ही पास करना होगा। झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होने एवं यहां की रीति रिवाज, भाषा, परिवेश का ज्ञान होना अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि राज्य के स्कूल कॉलेज से मैट्रिक इंटर पास करने वाले अभ्यर्थियों को ही झारखंड में नौकरी मिलेगी। दूसरे राज्य से मैट्रिक और इंटर पास करने वाले को राज्य में नौकरी नहीं मिलेगी, भले ही वह झारखंड के रहने वाला क्यों ना हो। आप सबको बता दूं कि यह नया नियम झारखंड सचिवालय सेवा, सहायक झारखंड सचिवालय लिपिक की सेवा, निम्न वर्गीय लिपिक, आशु लिपिक सेवा में लागू होगी। धोनी की दीवानगी। हरियाणा का 18 साल का लड़का 1436 किलोमीटर पैदल चलकर धोनी से मिलने रांची आया। कहा, धोनी ने सपने में आकर कहा, मुझसे मिलने रांची आओ। पांव में छाले, हाथ में तिरंगा, कंधे पर क्रिकेट किट और दिल में महेंद्र सिंह धोनी से मिलने का जुनून। इसी जज्बे के साथ हरियाणा के जलान खेड़ा से 18 साल का अजय गिल, इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी, महेंद्र सिंह धोनी से मिलने के लिए 16 दिन की यात्रा कर झारखंड के रांची पहुंच गया। वह कहता है कि वह धोनी का जबरा फैन है। धोनी एक बार उसके सपने में आए और पैदल रांची आकर मिलने को कहा। बस क्या था, वह रांची की यात्रा पर निकल गया। उसने बताया कि वह धोनी से मिलकर ही यहां से वापस जाएगा। जब वह इतनी दूर की यात्रा पैदल आ सकता है तो धोनी उनसे मिलने के लिए 10 मिनट का समय नहीं निकाल सकता। वह इसी जिद के साथ धोनी के सिमलिया स्थित फार्म हाउस के बाहर खड़ा है, जबकि धोनी रांची में नहीं है। वह आईपीएल में अपनी टीम का हिस्सा बनने के लिए चेन्नई गए हैं। खबर है झारखंड के खुट्टी से। स्कूलों में विकसित होंगे कंप्यूटर लैब, हर पंचायत में बनेगी मिनी लाइब्रेरी। खुट्टी जिले के सरकारी विद्यालयों में अब कंप्यूटर लैब विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही प्रत्येक पंचायत में मिनी लाइब्रेरी भी खोली जाएगी। मिनी लाइब्रेरी का संचालन तेजस्विनी की किशोरियों द्वारा किया जाएगा। यह निर्देश जिले के उपायुक्त शशि रंजन ने दिया। गुरुवार को विशेष केंद्रीय सहायता की बैठक में आवश्यक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने पर चर्चा करते हुए उन्होंने विद्यालय को चिन्हित कर साइंस पार्क बनाने की दिशा में काम करने का निर्देश दिया। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि व्यवस्थित रूप से बेहतर व्यवस्था और प्रबंधन सुनिश्चित करते हुए व्यापक बदलाव लाने की जरूरत है। झारखंड में अभी कोरोना जिंदा है। रांची में 60 दिन बाद 28 नए मरीज मिले। 72 घंटे में डबल हुई मरीजों की संख्या, एक्टिव मरीज 87 हुए। रांची में कोरोना अभी जिंदा है। एक बार फिर यह तेजी से पांव पसारने लगा है। इस बार इसकी रफ्तार दूसरी लहर से भी तेज है। रांची में 60 दिन बाद 24 घंटे में 28 नए संक्रमित मिले। इसके बाद जिले में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 87 हो गई। लगातार संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को देख स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ गया। इससे पहले गत 10 अगस्त को सर्वाधिक 17 संक्रमितों की पहचान हुई थी। अगस्त के शुरुआत से ही हर दिन कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। एक्सपर्ट ने कहा कि लापरवाही पड़ेगी भारी। चिकित्सकों की माने तो बीमारी को लेकर बढ़ती जा रही लापरवाही के कारण समस्या बढ़ रही है। मामले में कमी आने के साथ लोग सावधानी नहीं बरत रहे। मास्क लगाने में लापरवाही से लेकर शारीरिक दूरी तक का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। बाजार से लेकर कार्यालयों तक में लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। खबर है झारखंड के लातेहार से। किसानों को लाभ देने में नहीं हो लापरवाही, उपायुक्त ने कहा। लातेहार के उपायुक्त अबू इमरान की अध्यक्षता में कृषि, पशुपालन और मत्स्य विभाग की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में उपायुक्त के द्वारा कृषि विभाग में संचालित योजनाओं की बारी बारी से जानकारी ली। उपायुक्त ने कहा कि कृषि किसानों के जीवन का आधार है। सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के संचालन में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं हो। उन्होंने कहा कि एक भी सुयोग लाभुक योजना के लाभ से वंचित नहीं हो, इसे सुनिश्चित करें। समीक्षा के क्रम में उपायुक्त को जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा वर्षपात की जानकारी दी गई एवं लक्ष्य के अनुसार धान समेत अन्य खरीफ फसलों की बुआई किए जाने की बात भी बताई, जिस पर उपायुक्त के द्वारा जिले के अधिक से अधिक कृषि योग्य भूमि को आच्छादित करते हुए किसानों को योजनाओं का लाभ देने को लेकर निर्देशित किया गया। बैठक में किसान क्रेडिट कार्ड ऋण की स्वीकृति लक्ष्य के अनुरूप नहीं किए जाने पर उपायुक्त ने नाराजगी व्यक्त किया एवं लक्ष्य के अनुसार केसीसी ऋण स्वीकृत करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने की समीक्षा। कहा, उच्च शिक्षा के लिए बेहतर कार्य योजना बनाएं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करें, अड़चने दूर कर कॉलेजों में रिक्त पद शीघ्र भरें।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे नियुक्तियों में आने वाली सभी अड़चनों को दूर करें, विभिन्न कॉलेजों में रिक्त पदों को शीघ्र भरें। सीएम ने गुरुवार को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य योजना बनाएं, यह सुनिश्चित करें कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। समीक्षा के दौरान सीएम ने विभाग के अपर मुख्य सचिव के खंडवाल को कहा कि वे राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए वहां के कुलपति के साथ बैठक करें तथा नियुक्ति में आ रही दिक्कतों को दूर करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉलेजों में शिक्षकों के अभाव के कारण छात्रों की शिक्षा में किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। सीएम ने कॉलेजों के पुस्तकालयों की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिया कि जिन कॉलेजों में लाइब्रेरी की स्थिति ठीक नहीं है उन्हें ठीक करें। बैठक में अपर मुख्य सचिव के खंडवाल, सीएम के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, विनय कुमार चौबे, उच्च शिक्षा निदेशक एवं मुथु कुमार आदि मौजूद थे। खबर है झारखंड के गोड्डा से। गांधी मैदान में किया गया परेड का पूर्वाभ्यास। गोड्डा के उपायुक्त भोज सिंह यादव एवं पुलिस अधीक्षक वाईएस रमेश ने शुक्रवार को संयुक्त रूप से स्वतंत्रता दिवस के सफल संचालन के लिए परेड की सलामी लेने का पूर्वाभ्यास किया। स्थानीय गांधी मैदान में डीसी और एसपी ने पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों के साथ स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर अंतिम दिन परेड का पूर्वाभ्यास किया। परेड के दौरान दोनों ने परेड की सलामी दी। इस दौरान सर्जेंट मेजर संदीप कुमार के द्वारा पूर्वाभ्यास करने वाले विभिन्न जिला पुलिस बल एवं आईआरबी के जवानों का नियमानुसार नेतृत्व करते हुए परेड के नियमों से अवगत कराया। उपायुक्त ने पुलिस जवानों को परेड की तैयारियों को और भी बेहतर बनाने के लिए निर्देश दिया। कहा कि परेड में किसी प्रकार की त्रुटियां न रहें, जो भी कमियां हैं उन्हें दूर कर लें। सीएम हेमंत सोरेन ने देवघर एयरपोर्ट का नाम बाबा वैद्यनाथ रखने का किया आग्रह। केंद्रीय मंत्री को लिखा पत्र। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देवघर एयरपोर्ट का नाम बदलने का आग्रह किया है। उन्होंने इस संबंध में केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखा। पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा वैद्यनाथ धाम में लगभग 850 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित एयरपोर्ट, जिसमें झारखंड सरकार का अंशदान 600 करोड़ रुपए का है, बनकर तैयार है। मैं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से इस एयरपोर्ट का नाम बाबा वैद्यनाथ एयरपोर्ट रखने के लिए आग्रह करता हूं। इस पर मुख्यमंत्री को अपने मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों और झारखंड सरकार में गठबंधन की प्रमुख पार्टी कांग्रेस का भी साथ मिला है। कृषि मंत्री बादल पत्र लिखने कहा कि देवघर एयरपोर्ट का नाम बाबा वैद्यनाथ धाम एयरपोर्ट ही होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा है कि मैं यह पत्र देवघर की आम जनता की मांग पर लिख रहा हूं। देवघर शहर बाबा वैद्यनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। यहां के लोग भी यह चाहते हैं कि यह एयरपोर्ट बाबा वैद्यनाथ के नाम पर ही संचालित हो। यह एयरपोर्ट राज्य में पर्यटन के विकास में महत्वपूर्ण होगा। खबर है झारखंड के हजारीबाग से। डेमोटाउन में खुला हाईटेक व्यावसायिक वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र, विधायक ने किया उद्घाटन। हजारीबाग स्थित डेमोटाउन में शुक्रवार को व्यावसायिक वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र खुल गया। अब हजारीबाग और आसपास के जिले के आवेदकों को सर्टिफिकेट लेने के लिए धनबाद जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हजारीबाग और आसपास के जिले के आवेदक चालकों को हैवी लाइसेंस के सर्टिफिकेट और प्रशिक्षण के लिए धनबाद स्थित व्यावसायिक वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र में जाना पड़ता था, जिससे लोगों को काफी परेशानी होती थी। वार्ड पार्षद प्रतिनिधि सह युवा समाज सेवी अविनाश कुमार यादव और रवि कुमार सोनी के संयुक्त प्रयास के बाद भारत सरकार और झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त झारखंड मोटर व्हीकल ट्रेनिंग स्कूल शुक्रवार को शुरू किया जा सका। सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने किया सम्मानित। टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य रही झारखंड की बेटियां सलीमा टेटे और निक्की प्रधान का सम्मान समारोह शुक्रवार को आयोजित किया गया। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो इन्हें सम्मानित किया। यह सम्मान समारोह विधानसभा परिसर में आयोजित किया गया था। इससे पहले इन दोनों खिलाड़ियों को झारखंड सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सम्मानित कर चुके हैं। इसमें दोनों को 50-50 लाख रुपए की पुरस्कार राशि के साथ एक स्कूटी प्रदान की गई है। राज्य सरकार ने इन्हें 3000 स्क्वायर फीट पर पक्का मकान देने की भी घोषणा की है। झारखंड में दवा निर्माण के लिए कंपनियों को आधी दर पर मिलेगी जमीन, 20,000 युवाओं को नौकरियां। झारखंड सरकार राज्य में दवा एवं चिकित्सा उपकरणों के निर्माण से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए निवेशकों को आधी दर पर जमीन उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा कैपिटल इन्वेस्टमेंट में सब्सिडी से लेकर कई प्रकार की अन्य रियायतें प्रदान करेगी।
स्टाम्प ड्यूटी तथा निबंधन में 100% तक की छूट मिलेगी। राज्य सरकार इसके लिए झारखंड फार्मास्यूटिकल पॉलिसी 2021 लागू करेगी, जिसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। आप सबको बता दूं कि इस पॉलिसी को लागू करने के साथ ही फार्मा उद्योग के माध्यम से 20,000 स्थानीय युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार तथा 2,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। झारखंड में मनरेगा से बढ़े रोजगार के अवसर, ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिकों के लिए बड़ा सहारा। झारखंड में मनरेगा के जरिए रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं। कोरोना की चुनौतियों के बीच भी मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए बड़ा सहारा बना। वित्त वर्ष 2020-21 में 1176.1 लाख मानव दिवस का सृजन हुआ था, जबकि वर्तमान वित्त वर्ष में अब तक 489.82 लाख मानव दिवस का सृजन हुआ है। कोरोना के दौर में जब सभी कार्य बंद थे, तब इन विपरीत परिस्थितियों में भी ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा था। राज्य सरकार ने मनरेगा मजदूरी की दर भी 194 रुपये से बढ़ाकर 225 रुपये प्रतिदिन कर दी है। मनरेगा की योजना सुचारू रूप से चले, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो, विकास कार्य को गति मिले और श्रमिकों को रोजगार मिले, इसके लिए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।